हेलो एवरीवन, कुक विद रूबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए तिल मावा रोल की रेसिपी लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इजी वे में बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें एक कटोरी हमने इसमें तिल डाला है, जिसको हमने बहुत अच्छे से साफ करके और बिल्कुल अच्छे से इसको चुन लीजिएगा, कुछ इसमें गंदगी ना रहे, क्योंकि बाहर का मार्केट का तिल होता है तो कुछ ना कुछ गंदगी होती है। साफ करके बिल्कुल वाइट है, देखिए। अब इसको हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, देखिए बिल्कुल भुन चुका है। जब इसमें वॉल्यूम आ जाए, आपको लगे कि ये बहुत मोटा सा दिखने लगा है, तो समझ जाइएगा हो गया। आपको बहुत ज़्यादा पिंक कलर इसमें नहीं करना है, क्योंकि फिर तिल कड़वा हो जाता है। अब इसको हमको एक ग्राइंडर में जार में डाल देना है और इसको हमको एक कोर्सली पाउडर बनाना है, बहुत फाइन लाइक आटा, ऐसा बिल्कुल मत बनाइएगा। हल्का सा भुन दरदरा सा और बिल्कुल मोटा भी मत बनाइएगा, ऐसा जैसा आपको दिख रहा है वैसा बनाइएगा। अब इसमें आधा कप हमने शुगर डाल दिया है, पिसा हुआ शुगर है, इसमें आप डाल दीजिए। और एक टीस्पून कार्डमम पाउडर एंड शुगर जो ऑलरेडी मैं पीस के रखती हूँ उसको हमने डाल दिया। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब सभी दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप एक स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं और अपने हाथ से भी, क्योंकि हमको अभी यहाँ पे इसको डो बनाना है। थोड़ा सा शुगर की मात्रा आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मीठा आपके अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए कितना लेते हैं। अब उसी पैन में हमने हाफ कप के करीब खोया डाला है, ये हमारे घर का खोया है। अगर आप मार्केट का खोया लेते हैं तो उसको ग्रेट कर लीजिएगा। अब ये हमारे घर का खोया है, इसलिए इस टाइप का लाइट आपको ब्राउन दिख रहा है, मार्केट का खोया बिल्कुल वाइट दिखेगा। और इसको हल्का सा हमको लाइक लूज कर लेना है, जैसे इस समय बहुत ठंड है तो ये बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें बटर बहुत होता है, घी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अभी इसको देखिए बिल्कुल लूज हो गया है। अब इसमें फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। अब इसमें सारी दो चीज़ें जो हमारी है, सारी चीज़ें मतलब कार्डमम पाउडर, शुगर पिसा हुआ और तेल जो भुना हुआ और पिसा हुआ हमने रखा, इसमें इसको अच्छे से मिला लेना है। आपको ऐसे मिलाना, आप अपना हाथ से भी मिला सकते हो, जिस लाइक डो हम जो आटे का डो बनाते हैं वैसे आपको कर लेना। देखिए मैंने हाथ से इसको मिलाना शुरू कर दिया। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत हार्ड दिख रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं या दूध भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए बिल्कुल आटे जैसा हम इसको आराम आराम से मिक्स कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा, मुझे ड्राई लग रहा था तो इसमें हम थोड़ा सा दूध मलाई वाला मिला लिया है। आप इसमें पानी भी मिला सकते हैं, दूध भी मिला सकते हैं। अब इसको बिल्कुल डो की तरह आप बना सकते हैं, इसको पूरा बना लीजिएगा, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं वैसे डो की तरह बना लीजिए। ये हमारा डो बन चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम रोल बनाने के लिए, अब इसको कहीं निकाल लेते हैं और एक फॉयल पेपर लेते हैं। इसमें आपको घी ऐड कर देना है, मतलब ग्रीस कर लेना है, और एक बेलन पे भी आपको घी बिल्कुल ग्रीस कर लेना है, ताकि हमको अब इस डो को हमको बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में बेलना है। तो इसलिए घी इस पे हल्का सा लगा लीजिएगा, ताकि चिपके ना और बेलने में आपको सुविधा हो। अब ये देखिए, अब इसको हमको बेल लेना है, रेक्टेंगल करके बेल लेना है, बिल्कुल ऐसे। इसको हाथ से आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल हमको बनाना है तो आप इसको हाथ से रेक्टेंगल शेप में दे सकते हैं आराम से। जैसे मेरा यहाँ हल्का सा कटा हुआ है, तो आप बहुत पुश करके नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें कहीं मोटा और कहीं पतला हमारा रोल का जो डो है, ये रोटी इसकी ऐसी हो जाएगी। तो इसको हमको बहुत आराम आराम से हमको बेलना है। अब हमने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स काट लेना है, लाइक आपको पिस्ता, बादाम, काजू, और आप अगर डिफरेंट टाइप के आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यही ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे लगते हैं, और कोई ड्राई फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता। इसमें पिस्ता बहुत अच्छा टेस्ट देता है, थोड़ा बादाम और काजू, इसमें किशमिश भी बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देता है। तो आप देख लीजिएगा एज योर टेस्ट, आप इसको स्प्रेड कर लीजिए, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसको स्प्रेड कर लीजिए और हल्के से हाथों से इसको पुश कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो डो है, जो हमारा ये पूरा रोल बनाने के लिए बेल रखा है हमने, इसमें आ जाए। अब इसको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप आराम आराम से बिल्कुल देखिए जिस टाइप से मैं कर रही हूँ, गोल गोल करके इसको बिल्कुल ऐसे रोल बनाना है। ये देखिए बिल्कुल आप अपनी मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से धीरे धीरे से आराम आराम से इसको डो बना दीजिए, इसको रोल बना दीजिए। अब इसको देखिए बिल्कुल ऐसे,
ताकि ये रोल के शेप में होगा, जैसे हम लोग रोटियों का बनाते हैं, रोल बनाते हैं, जैसे रोल उसी टाइप के। बट इसमें क्या है कि आपका पूरा एक रोल जो कि टूट सकता है, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऐसे बनाएंगे, बट इसमें बिल्कुल ही ईजी है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। कोई भी जो नया बनाता है वो भी बना लेगा। और इसको सबसे अच्छी बात है कि इसको मोल्ड कर सकते हैं आप जैसे भी। तो इसको हल्का हल्का बनाया, उसके बाद रोल कर दिया, हाथ से आप इसको रोल कर दीजिएगा गोल गोल करके, जैसे बेलन को हम लोग हाथ से ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे कर देना है। और किनारे का जो ये है, इसको हाथ से पुश करके आप इसमें इवन कर सकते हैं। अब इसको उसी फॉयल पेपर में गोल पूरा रोल, जैसे मैंने दबा के रखा है, इसको दबा करके बिल्कुल रोल करके दोनों साइड से आप इसका मुंह बंद कर दीजिए, और ऐसे बिल्कुल अब ये गोल हो जाएगा, बिल्कुल इस टाइप से गोल है ये। अब इसको उठा के फ्रिज में रख देना है कम से कम एक घंटा, आधा घंटा, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। देखिए फ्रिज से हमारा निकल गया, अब ये बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा और कटने के लिए बिल्कुल भी ये रेडी है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए दो तरीक़ों से हम आपको काट के दिखाते हैं। जैसे एक मैं इतना अच्छे तरीके से काट के आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी इसका शेप नहीं खराब होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा तिल को ले लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर दिख रहा है, इसके ऊपर चिपका देंगे हम, तो तिल बहुत ही खूबसूरत और भी खूबसूरत दिखेगा। तो इसलिए अगर आपको मन है इस पे, तो आप इसमें पिस्ता लगा सकते हैं, आप चिपका सकते हैं। लेकिन अगर तिल मावा रोल है, तो इसमें आपको तिल ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मावा तो दिख रहा है और तिल ऊपर से ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं इसमें मैंने ट्राई किया है कि तिल ही चिपकाएं, और आप देख लीजिएगा आपको अगर अच्छा लगता है तिल तो तिल चिपकाइएगा, वैसे तिल ही अच्छा लगेगा। अब इसको हमने देखिए धागे से काटा है, धागे से काटेंगे बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होगा और बहुत खूबसूरत ये कट जाएगा बिल्कुल रोल। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए क्रॉस में लेंगे हम धागे को, देखिए ये इतना बढ़िया कटा है कि बिल्कुल फ्लैट नहीं हुआ है। अब हम चाकू से काट के दिखाते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा इसका शेप बिगड़ा है, तो इसको हम हाथ से ठीक कर लेंगे। वैसे आप कोशिश करिएगा कि आप धागे से काट लीजिए, बहुत अच्छा कटेगा, एक परफेक्ट आपको शेप में कटेगा। देखिए एक भी मेरा शेप खराब नहीं हुआ है। इसको आप धागे से और चाकू से किसी से भी काट सकते हैं। अगर आपने चाकू से काटा है तो थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। थोड़ा सा पिस्ता से ऊपर से सजा दीजिए और सर्व करिए किसी के सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।